कश्मीरी से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, ये हक हमारा, ये हक हमारा, ये माए मांगे, ये बच्चे मांगे, कोटली आज़ाद कश्मीर में भी यूम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया गया। 5 फरवरी यूम यकजहती कश्मीर के मौके पर आता डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ सियासी व समाजी रहनुमाओं, विकला, मीडिया, सिविल सोसाइटी के अलावा हर मकतबा फिक्र से तलक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली से कबल सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। गुलपर में भी चिनार प्रेस क्लब के जेर एहतमाम रैली निकाली गई। लार पुल पर भी डिप्टी कमिश्नर कोटली अमजद अली मुगल और MPA पाकिस्तान राजा सगीर की क्यादत में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। राथों में कश्मीरी और पाकिस्तानी परचम थाम कर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती किया गया और नारे भी लगाए गए। भारतीय गासबो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, है हक हमारा, आज़ादी हम ले के रहेंगे, आज़ादी कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, तारीख आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। शुरुआती रैली ने तकरीब से खताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अपनी आज़ादी की ये जंग गुज़श्ता कहीं दहियों से बदस्तूर लड़ रहे हैं, जिसकी पैदाश में लाखों कश्मीरी बेघर हो चुके हैं। भारत ने 79 कश्मीरियों पर अरसा आयात तंग कर रखा है। रोज़ाना की बुनियादों पर वहाँ ख्वातीन की इस्मतें तार तार की जा रही हैं, मगर आज भी इन कश्मीरियों के लब पर एक ही सदा गूंज रही है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकररीन ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए इंतहाई अहमियत का अमल है। आज के दिन हम मकबूजा कश्मीर में रहने वाले बहन भाइयों से इजहार यकजहती करके उन्हें ये पैगाम देते हैं कि हम उनके शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। उन्होंने कहा कि हम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर में भी जारी आज़ादी की तारीख अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। लाखों माओं, बहनों, बुज़ुर्गों, बेटियों की कुर्बानियाँ रहगान नहीं जाएंगी। मकबूजा कश्मीर में नस्ल दर नस्ल जारी आज़ादी की तारीख को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। कश्मीरी अपने बुनियादी हक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है और इंशाअल्लाह ताला इन्हें इस हक से कोई महरूम नहीं रख सकता। भारत जानता है कि मकबूजा कश्मीर पर ज़्यादा देर तक अपना कब्जा कायम नहीं रख सकता, लेकिन मकार भारत ताकत और बर्बरीत के जरिए कश्मीरियों की तारीख को कुचलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज के दिन हम ऐद करते हैं कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। तकरीब के अख्ताम पर मुल्की सलामियत, पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली, शोधाए कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। इनको एक बना दे, या अल्लाह वो लोग जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म व सितम कर रहे हैं।